सो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स, मैं आरती शर्मा हाजिर हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ और आपका सबका स्वागत है। सो गाइज, आप कैसे हो? आप लोग भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज, क्या हुआ कि है ना, आज मैं पूरा दिन ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज मैं बताती हूँ मैं पूरे दिन से क्या कर रही थी आपको। तो मैं लेके चलती हूँ आपको और दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या किया है। तो गाइज देखिए, बच्चों ने ना इस तरीके से माला लगा दी है, अभी एक और लगानी है इधर, और इधर जो गमला था लेके आई थी मैं। सो गाइज वो उन लोगों ने इस तरीके से टांग दिया इधर बीच में, और इधर ऐसे ये दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगाएंगे जैसे उन्होंने इस तरफ से ये जो दो मालाएं ज्वाइंट करके और ऐसे बेल टांग रखी है ना, ऐसे ही लगाएंगे। सो गाइज इधर मैं दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। सो बच्चे कर रहे हैं दिया डेकोरेट। तो मेरा वाला छोटा है, एक सेकंड। हाँ जी, क्या मेरा वाला छोटा दिया, मेरे साथ ना इंसाफी हुई है। अच्छा, आपको उसके साथ ना इंसाफी हुई है तो मैं आपको भी बड़ा दे दूंगी। सो गाइस, इधर हिताक्षी ने जो दिया डेकोरेट किया है, दिखाओ हिताक्षी अपना दिया। सो गाइस ये देखिए, इसने इस तरीके से दिया डेकोरेट किया है, जो एक हम आज ही जलाएंगे छोटी दिवाली पे, और एक डेकोरेशन डेकोरेट किया है दिया, वो काव्यांशी ने किया है। काव्यांशी दिखाओ अपना दिया, दिखाओ काव्यांशी। सो गाइस ये देखिए, ये वाला दिया काव्यांशी ने डेकोरेशन की है इसकी। सो गाइस ये हम ये वाला दिया हम जलाएंगे बड़ी दिवाली पे, और आपको लेके चलती हूँ बाहर में और मैं दिखाती हूँ कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया है। तो गाइस ये देखिए, ये जो चारों तरफ मैंने ना लड़ियाँ लगाई हैं ना, ये सब लड़ियाँ मैंने लगाई हैं आज, और मैं पूरा दिन इसी चीज़ में लगी रही और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ब्लॉग शूट करने का क्योंकि ये सारी लड़ियाँ मैंने लगाई हैं आज। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मैं आपको बिल्कुल पहाड़ से जाके दिखाती हूँ, बट उसके लिए मुझे चप्पल पहननी पड़ेगी, तो अभी दिखाती हूँ। देखिए कि दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, और लाइटें ही लाइटें, और कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस मैं दिखाती हूँ अभी अंदर। गाइस मैंने अपना मंदिर दिखाती हूँ आपको, देखिए एकदम क्लीन है, और अभी शाम का टाइम है तो अभी करेंगे पूजा। ये देखिए मेरी कालका माई, और मैंने यहाँ पे भी लड़ियाँ लगा दी हैं, लाइट्स लगा दी हैं ये देखिए, बट अभी एक लाइट और लगानी है स्टार वाली, सो मैं अभी थोड़ी देर में उसको भी लगा दूंगी क्योंकि अभी। सो गाइस आप जानना चाहोगे कि मैं बाहर से क्यों आई हूँ, क्योंकि एक्चुअली है ना कुछ मालाएं कम पड़ गई थी, तो बच्चे बोले नहीं हमें चाहिए गेट के लिए मालाएं, तो मैंने कहा चलो ठीक है लेके आती हूँ भाई। तो फिर मैं वो मालाएं भी लेके आई, और यही मालाएं गाइस आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे 120 की दो मालाएं मिली हैं, और बच्चों का दिल रखने के लिए मैंने कहा चलो लेके आते हैं। बच्चे जब बोल रहे हैं तो कह रहे हैं मम्मी बाहर गेट ही रह जाएगा, तो बाहर गेट पे भी लगाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ले आती हूँ। तो आज ये मार्केट में जो मुझे 125 की पांच पड़ी थी, आज मुझे मार्केट में ये दो मालाएं 120 रुपये की पड़ी। सो गाइज चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा दिवाली कोई रोज़ रोज़ थोड़ी ना आ रही है। तो उसके बाद हम आगे चले गए, तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कल का इंतज़ार क्यों करते, सबके लिए डिब्बे पैक करा लेते मिठाई के। तो हमने सबके लिए और अपने लिए भी, क्योंकि दिवाली पूजन पे तो चाहिएगा एक डिब्बा, तो हमने अपने लिए भी और सबके लिए भी एक एक मिठाई का डिब्बा पैक करा लिया है। सो गाइज अब करते हैं हम दिवाली की पूजा की तैयारी शुरू, और फिर उसको आगे मिलते हैं आपको दिवाली पूजन के टाइम में। तो तब तक बच्चे जो खेल रहे हैं मस्ती कर रहे हैं उनको करने दो, और मैं फिर पूजा की तैयारी करती हूँ फटाफट। गाइज यहाँ पे हस्बैंड और बच्चे चला रहे हैं बम और पटाखे। कुछ बोलना चाहोगी? अभी हम आए हैं और पटाखे जलाएंगे, अनार जलाएंगे, अभी बच्चों के साथ पीछे पकड़ो। और हैप्पी दिवाली विश कर दो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली गाइस। पापा जी रुक जाइए।
सो गाइज उधर हस्बैंड चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं पता नहीं, पीछे अनार चला रहे हैं, अनार चला रहे हैं। सो गाइज इस बार दिवाली पर बहुत बहुत ठंड है, तो आप भी सेफ रहना। और इधर देखो आदि को मैंने मोटी वाली जैकेट पहना दी है, क्योंकि पिछले साल इन्हीं दिनों में आदित्य बहुत बीमार था। ये है बिजली बम और ये भूल जाएगा फुट। कुछ पहनिया। सबके लिए हैप्पी दिवाली। ये और देखिए बेटे उस बच्ची को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। और इस बच्ची को देखिए कैसे कुकड़ रही है ठंड में। ये तो मुड़ के अभी टूटने वाली है। सो गाइज आदित्य को तो मैंने ऐसे वाले बम दिला दिए, सुबह से चला रहा है, एक पैकेट अब खत्म हुआ है इसका बेचारे का। यहाँ एक जैकेट के लिए दो बंदे लड़ रहे हैं। एक जैकेट के दो दीवाले। मैं कूदू आपकी उम्र नहीं है मम्मी कूदने की। ओह माय गॉड, चल कूद। बावला दूर दूर कूद रहा है, इस पे थोड़ी ना घूमेगी। सो गाइस आदित्य और उसके पापा चला रहे हैं अनार। और हैप्पी दिवाली ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स। सो गाइस आज तो है ना बच्चों ने और उनके पापा ने मिलके खूब पटाखे छुटा लिए। सो गाइस इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।